all DMNT and DRD students. हिमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन आयरन स्टोरेज एंड ल्यूकोसाइट फॉर्मेशन, कि आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है, कि आयरन स्टोरेज के ऊपर है मोस्टली तो, और डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट का क्या है इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, यानी आयरन को कैसे तो ह्यूमन बॉडी में स्टोरेज करते हैं, कैसे उसका ब्रेक डाउन होके हिमोग्लोबिन से उसको अलग करते हैं, और कैसे उसको रिसाइकिल करके अपन वापस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम में लेते हैं, वो सारा डिस्कशन आज किसमें आज के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार क्या है पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो क्या था हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन यानी हीमोग्लोबिन का टूटना। पीछे की क्लास किस पे थी आपकी, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन पे। तो हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 million आरबीसीआर ब्रेक डाउन एवरी होर, यानी ह्यूमंस के अंदर 100 to 200 million आरबीसी क्या है प्रत्येक घंटे के अंदर ब्रेक डाउन होती है यानी टूटती है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है आरबीसी का एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, अगर आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन भी डिग्रेडेड होगा यानी टूटेगा। डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिगेंस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर स्प्लीन बोन मैरो एंड स्किन, यानी क्या है लिवर स्प्लीन बोन मैरो और क्या है स्किन के अंदर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है उनके अंदर क्या है हीमोग्लोबिन का भी डिग्रेडेशन होता है साथ साथ। फिर हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड टू, यानी हीमोग्लोबिन कौन से कंपोनेंट में डिग्रेडेड होता है टूटता है, तो सबसे पहले ग्लोबिन यानी क्या है हीम दो पोर्शन में टूटता है आपको पता है, सबसे पहले तो हीम प्लस में ग्लोबिन, यानी ग्लोबिन के अंदर क्या है अमाइनो एसिड्स हैं यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन की जो क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर चली जाती है वापिस काम में ली जाती है। फिर है हीम, तो हीम किस में कन्वर्ट होता है बिल्रुबिन में, और हीम जब बिल्रुबिन में कन्वर्ट होता है तो हीम में से क्या निकल जाता है तीसरा कंपोनेंट आयरन, ट्रांसपोर्टेड विद ट्रांसफेरिन एंड यूज इन नेक्स्ट हीम बायोसिंथेसिस, यानी क्या है आयरन का मॉलिक्यूल क्या है स्प्लीन के अंदर बाहर निकल जाता है हीम डिग्रेडेशन से, और ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ अटैच होके बोन मैरो के अंदर चला जाता है और वापिस क्या है हीम के बायोसिंथेसिस में काम में ले लिया जाता है। नेक्स्ट, नॉट ओनली हीमोग्लोबिन बट अदर हीम प्रोटीन ऑल्सो कंटेन हीम ग्रुप विच आर डिग्रेडेड बाय द सेम पाथवे, यानी अकेला हीमोग्लोबिन ही ऐसा प्रोटीन नहीं है जो इस पाथवे से डिग्रेडेड होता है, और जो प्रोटीन है जिसके साथ हीम अटैच है वो भी इसी पाथवे से क्या होती है डिग्रेडेड होती है, यानी उनका ब्रेकडाउन इसी पाथवे से होता है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ हीम सिंथेसिस में देखिए सबसे पहले एक रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर क्या है हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन को फिर उसने दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक तो हीम दूसरा क्या है अमाइनो एसिड यानी ग्लोबुलिन, अमाइनो एसिड को क्या है रीयूटिलाइज कर लिया गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के जो पॉलीपेप्टाइड है उनको क्या है रीयूटिलाइज कर लिया गया वापस काम में ले लिया गया। फिर दूसरा पोर्शन बचा हीम, तो हीम क्या है हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्टीन में, और इस स्टेप में क्या है एक आयरन का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बिलीवर्टीन किस में कन्वर्ट होता है बिल्रुबिन में, एंजाइम कौन सा काम में आता है बिल्रुबिन रिडक्टेज, यानी हीमोग्लोबिन सबसे पहले दो कंपाउंड में टूटता है हीम प्लस में ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन के अमाइनो एसिड वापस काम में ले लिए जाते हैं, और हीम जो पोर्शन है वो हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है बिलीवर्टीन में, और फिर बिलीवर्टीन किसमें कन्वर्ट होता है बिल्रुबिन में, और बिल्रुबिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ हीम डिग्रेडेशन, उसके अंदर देखिए एक ब्लड सेल के अंदर दिखाया गया है, तो हीमोग्लोबिन किसमें टूटा है हीम प्लस में ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है बाहर निकल गई, फिर हीम किसमें कन्वर्ट हो रहा है बिल्रुबिन में, और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है हीम ऑक्सीजिनेज, फिर बिलीवर्टीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बिल्रुबिन में जो क्या है वाटर अनसोल्युबल यानी पानी में अघुलनशील बिल्रुबिन,
एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? बिलीवर्डिन रिडक्टेज। फिर बिलरुबिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वापस बिलरुबिन ग्लूकोर्नेट में, यानी यूटीपी काम में आती है यहाँ पे, डाई ग्लूकोर्नेट, जो कि क्या है, एक बिलरुबिन वाटर सोल्यूबल है। और बिलरुबिन यहाँ पे क्या है, लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है एल्बुमिन प्रोटीन के साथ। फिर बिलरुबिन किस में कन्वर्ट होता है? लीवर के अंदर बिलरुबिन डाई ग्लूकोर्नेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? यूटीपी ग्लूरोनिक एसिड। फिर क्या है कि बिलरुबिन की दो फॉर्म बनती है डाइग्लूकोरनेट से, जो क्या है इंटेस्टाइन में चली जाती है, एक तो स्ट्रकोबिलिनोजन और एक क्या है यूरोबिलिनोजन। स्ट्रकोबिलिनोजन है वो क्या है, स्टूल के साथ या फीसिस के साथ एक्सक्रीट कर दी जाती है। फिर जो यूरोबिलिनोजन फॉर्म है, यानी यूरोबिलिन जो है, वो क्या है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसमें हीम डिग्रेडेशन, यानी कि उसकी थ्योरी क्या है, तो हीमोक्सीजिनेज एंजाइम काम में आता है हीम के डिग्रेडेशन में। सबसे पहले इट क्लीव्स, यानी तोड़ता है, ब्रेक डाउन द मिथाइलिन ब्रिज बिटवीन टू पायरोल रिंग ए एंड बी फॉर्म बिलीवर्डिन पिगमेंट, जो कैसा है, ग्रीन पिगमेंट। हीमोक्सीजिनेज एंजाइम क्या करता है, आपको पता है हीम में चार पायरोल रिंग है जो क्या है मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ी हुई है। तो जो क्या है हीमोक्सीजिनेज एंजाइम है, वो ए एंड बी के बीच में जो मिथाइलिन ब्रिज है उसको क्या है ब्रेक डाउन कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है। और उसके तोड़ने से क्या बनता है, बिलीवर्डीन पिगमेंट बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। नेक्स्ट, सिम्यूलटेनियसली आयरन इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक फॉर्म एंड रिलीज। और इसके साथ साथ क्या है, आयरन किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरिक फॉर्म में, और क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, इट डिग्रेडेशन टेक प्लेस इनटू रेटिकुलोसाइट सेल ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। और जो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन है वो कौन से ऑर्गन में चलता है, लीवर और स्प्लीन में। नेक्स्ट, बिलीवर्डिन इज एक्सक्रीट इन बर्ड्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स। और बिलीवर्डिन क्या है, बर्ड्स, एम्फीबियन और मैमल्स में क्या है, जनरेट होता है या एक्सक्रीट होता है, इट जनरेट फ्रॉम वेरस डिग्रेडेशन। और ये क्या है, वहां पे साथ साथ क्या है, डिग्रेडेशन से भी फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, आपने हीमोक्सीजिनेज एंजाइम से बिलीवर्डीन में कन्वर्ट किया, दूसरा एंजाइम क्या था, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन में बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, बिलीवर्डीन रिडक्टेज क्लीवेज मिथाइलिन ब्रिज बिटवीन टू पायरोल सी एंड डी एंड रिड्यूस टू मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म बिलीरुबिन, यानी येलो पिगमेंट। आपने देखा था हीमोक्सीजिनेज क्या है, ए एंड बी पायरोल के बीच का मिथाइलिन ब्रिज तोड़ देता है, जिससे क्या बना था, बिलीवर्डीन। और बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, सी एंड डी के बीच में जो मिथाइलिन ब्रिज है पायरोल रिंग के, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसमें से क्या है मिथाइलिन जो ग्रुप है उसको रिलीज करके क्या फॉर्म करता है, बिलीरुबिन पिगमेंट फॉर्म करता है, जो कैसे कलर का है, येलो पिगमेंट। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन फाइनली जनरेट अबाउट 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन 35 मिलीग्राम बिलीरुबिन क्या करता है, फॉर्म करता है। अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन इज डेली प्रोड्यूस इन ह्यूमन एडल्ट, यानी ह्यूमन एडल्ट में 250 से 350 मिलीग्राम पर डे क्या है, फॉर्म होता है बिलीरुबिन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन इन लीवर, यानी लीवर के अंदर बिलीरुबिन का ट्रांसपोर्ट, तो हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन तो कहाँ हुआ, स्प्लीन के अंदर। फिर क्या है, जो बिलीरुबिन पिगमेंट है उसको लीवर में कैसे लेके आते हैं, वो प्रोसीजर क्या है, बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लाज्मा इन ब्लड फॉर्म टू एल्बुमिन, यानी नॉन कोलेंट्री फॉर्म। बिलीरुबिन क्या है, स्प्लीन से किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड के अंदर, और कौन सी प्रोटीन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, एल्बुमिन के साथ, एज द एल्बुमिन बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स इंटर द लीवर। और जैसे ही क्या है, एल्बुमिन और बिलीरुबिन जो कॉम्प्लेक्स है, नॉन कोलेंट्री जो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है लीवर के अंदर इंटर करता है, बिलीरुबिन डिसोसिएटेड, यानी बिलीरुबिन क्या है अलग हो जाता है एल्बुमिन से, एंड इट टेक्स अप बाय हिपेटोसाइट, और ये क्या है लीवर की सेल्स के द्वारा टेस्ट कर लिया जाता है, टेक कर लिया जाता है, यानी ले लिया जाता है। और इसको टेक करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, बाय ए कैरियर मीडिएटर एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट, यानी एक क्या है उसमें हिपेटोसाइट है, लीवर की सेल है, कैरियर मीडिएटर एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट, जो इसको क्या है एल्बुमिन बिलीरुबिन को कैच कर लेती है, यानी ले लेती है। कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन,
इसके अंदर देखिए, इन द लीवर बिल्यूबिन इज कॉन्जुगेटेड विद टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोर्नेट सप्लाइड बाई यूटीपी ग्लूकोर्नेट, यानी यूरेसिल डाई फोस्फेट। यानी लीवर के अंदर क्या होता है, बिल्यू कॉन्जुगेटेड जो बिल्यूबिन है वो किसमें कन्वर्ट होता है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिल्यूबिन वो किसमें कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन में। और उसके लिए काम में क्या काम में आता है, यूटीपी यानी यूरेसिल डाई फोस्फेट मॉलिक्यूल, वो क्या है बिल्यूबिन के साथ अटैच हो जाता है। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय बिल्यूबिन ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज, ये रिएक्शन क्या है बिल्यूबिन ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है। नेक्स्ट, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल बिल्यूबिन डाई ग्लूकोर्नेट। और इसका रिजल्ट क्या होता है रिएक्शन का, कि जो वाटर अनसोल्यूबल बिल्यूबिन था यानी पानी में अघुलनशील जो बिल्यूबिन था वो कैसा हो जाता है, वाटर सोल्यूबल बिल्यूबिन डाई ग्लूकोर्नेट यानी बिल्यूबिन डाई ग्लूकोर्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऐसी फॉर्म है एक वाटर में सोल्यूबल फॉर्म है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ बिल्यूबिन, यानी बिल्यूबिन को अपन ह्यूमन बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, तो अभी क्या है वो वाटर में सोल्यूबल हो गया है, सोल्यूबल होने के बाद कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन इज ट्रांसफर इनटू द बाइल एंड द कन्वर्ट इनटू टू फॉर्म्स ट्रिकोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। यानी कॉन्जुगेटेड जो बिल्यूबिन है यानी वाटर में सोल्यूबल जो बिल्यूबिन है उसको बाइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक तो ट्रिकोबिलिनोजन और एक यूरोबिलिनोजन में। दिस टू फॉर्म ऑफ बिल्यूबिन इज ट्रांसफर्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन ट्रिकोबिलिनोजन इज एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी विद स्टूल। यानी यूरोबिलिनोजन और स्ट्रिकोबिलिनोजन दोनों ही फॉर्म किस में ट्रांसफर कर दी जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से क्या है स्ट्रिकोबिलिनोजन स्टूल के अंदर पास होके या स्टूल के अंदर मिक्स होके क्या है ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, यूरोबिलिनोजन इज रीऑब्जर्व्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ पार्ट 75 to 80% इज एक्सक्रीट इन यूरिन। और यूरोबिलिनोजन है जो क्या है वो 75 to 80% तो क्या है निकल जाता है यूरिन के साथ, यानी किडनी से किडनी के अंदर ये ऑब्जर्व कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से और यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा 20% यूरोबिलिनोजन रीऑब्जर्व इन लीवर, और बचा हुआ जो 20% यूरोबिलिनोजन है वो क्या है लीवर के अंदर रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट, बिल्यूबिन नॉर्मल अमाउंट इन ब्लड, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर 100 ml, और कॉन्जुगेटेड बिल्यूबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है 0.2 to 0.6 यानी अनवाटर सोल्यूबल बिल्यूबिन, और अनकॉन्जुगेटेड तो कैसा अनसोल्यूबल बिल्यूबिन, और कॉन्जुगेटेड सोल्यूबल बिल्यूबिन जो वाटर में घुलनशील हो, और सोल्यूबल की कितनी होती है 0.2 to 0.4 मिलीग्राम। नेक्स्ट, बिल्यूबिन टोटल अमाउंट डिटेक्टेड इन ब्लड बाय वांडेनबर्ग रिएक्शन, और अगर आपको क्या है ब्लड के अंदर बिल्यूबिन का टोटल अमाउंट डिटेक्ट करना हो तो कौन सी रिएक्शन से डिटेक्ट कर सकते हो, वांडेनबर्ग रिएक्शन से। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, आयरन का मॉलिक्यूल क्या है वापिस निकल जाता है हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के टाइम पे, जिसमें देखिए नॉर्मल आयरन कंटेनिंग ऑफ अडल्ट इज 3 to 5 ग्राम, यानी नॉर्मल वैल्यू क्या है अडल्ट के अंदर आयरन की 3 to 5 ग्राम। इट्स मोर देन इन मेल कंपैरिजन टू फीमेल, और ये मेल्स के अंदर क्या है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल के कंपेरिजन में। परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी आयरन इन हीमोग्लोबिन इज 60 to 70%, यानी टोटल बॉडी के आयरन का हीमोग्लोबिन के अंदर कितने परसेंट आयरन होता है 60 to 70%। डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन एंड लीवर, और जो वापस डिराइव्ड यानी रियूज कहां से किया जाता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से, कौन सी जगह पे स्प्लीन और लीवर में। फिर क्या है कैरियड बाय मतलब किसके द्वारा बाइंड अप किया जाता है या इसको रिसाइकिल किया जाता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा इसको रिसाइकिल किया जाता है, जो कौन सी प्रोटीन है ट्रांसफेरिन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ आयरन, यानी ह्यूमन बॉडी में और कौन सी फॉर्म में आयरन प्रेजेंट रहता है। तो पहली है टिश्यू आयरन, यानी नॉन अवेलेबल आयरन
इन मायोग्लोबिन एंड एंजाइम सच एज साइटोक्रोम सी कैटलेज एंड प्रोक्सीडेज, यानी टिश्यू आयरन ऐसा आयरन है जो नॉन अवेलेबल है अपने, जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकते या पता नहीं लगा सकते, वो किसमें प्रेजेंट रहता है, मायोग्लोबिन के अंदर या फिर सच एज एंजाइम्स के अंदर। एंजाइम कौन से, साइटोक्रोम सी हो गया, कैटलेज हो गया या फिर प्रोक्सीडेज एंजाइम के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है स्टोरेज आयरन। द स्टोरेज आयरन अवेलेबल कैन यूटिलाइज फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। स्टोरेज आयरन क्या है, अवेलेबल आयरन है, यानी जिसको अपन डिटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको काम में भी ले सकते हैं, और कैन बी यूटिलाइज फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, और जिसको क्या है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में अपन काम में लेते हैं। स्टोरेज आयरन इज 1 to 2 ग्राम एंड 30 to 35% ऑफ टोटल बॉडी आयरन, यानी स्टोरेज आयरन 1 to 2 ग्राम प्रेजेंट होता है और टोटल बॉडी के आयरन का कितने परसेंट होता है, 30 to 35% होता है। इट स्टोरेज एज फेरिटिन, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड हीमोसेडिरिन या माइक्रोसेल, यानी ये क्या है, फेरिटिन फॉर्म में लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो में स्टोरेज रहता है या फिर हीमोसेडिरिन फॉर्म में माइक्रोसेल्स में स्टोरेज रहता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा आयरन। तो आपने दो कंपोनेंट देखे, टिश्यू आयरन और स्टोरेज आयरन, तीसरा क्या है, प्लाज्मा आयरन। 3 to 4 milligram आयरन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा और 3% प्लाज्मा आयरन बाइंड टू ए प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफेरिन, यानी प्लाज्मा के अंदर 3 to 4 ग्राम क्या है, मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट रहता है, और जिसमें से 3% प्लाज्मा के टोटल आयरन के किसके साथ अटैच रहता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ बाइंड अप रहता है या उसके साथ अटैच रहता है। आपने देखा था ट्रांसफेरिन प्रोटीन ही क्या है, स्प्लीन से क्या है, लीवर आयरन को रिसाइकिल करती है, यानी बोन मैरो के अंदर लेके जाती है वापिस यूज के लिए। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब कर दिया, कैसे किया जाता है। ओनली 10% ऑफ आयरन इन द डाइट इज एब्जॉर्ब्ड, मेजर पोर्शन ऑफ आयरन इज रीयूज्ड 90% इन द बॉडी, यानी ह्यूमंस के अंदर 10% जो आयरन है वो कहां से लिया जाता है, डाइट से, और बाकी का जो मेजर पोर्शन है आयरन का वो क्या है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है ह्यूमन बॉडी से, जिसमें से मोस्टली ऑब्जर्व कहां से किया जाता है, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन से 90% तक। आयरन ऑब्जर्वेशन अकर इन द ड्यूओडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुइनम, और आयरन का जो ऑब्जर्वेशन है यानी एब्जॉर्प्शन है वो किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूओडेनम और जेजुइनम पार्ट के अंदर होता है। फंक्शंस क्या है आयरन के, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन तो पता ही है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, यानी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर आयरन काम में आता है, मायोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर आयरन काम में आता है, एंड हीम एंजाइम्स, और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एंजाइम कौन से हैं जिसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, कैटलेज है, साइटोक्रोम सी है और प्रोक्सीडेज, 3 enzymes है जिसमें क्या है आयरन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या है नॉन अवेलेबल आयरन है, यानी जिसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आयरन का एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक तो अपन हीम से करते हैं यानी हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से, ठीक है, दूसरा है नॉन हीम पार्ट, यानी क्या है अपन फूड से क्या है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो फूड से क्या है हीम आयरन फॉर्म, सबसे पहले देखिए हीम से, हीम आयरन फॉर्म हीमोग्लोबिन इन मीट एंड फिश इज रिड्यूस्ड, फेरस फॉर्म हाईली एब्जॉर्बल, यानी क्या है उसका जो डिग्रेडेशन होता है हीम का वो क्या है आयरन को अलग मॉलिक्यूल आयरन को रिड्यूस कर देता है, उसको क्या है फेरस फॉर्म में रिड्यूस करता है, और उसको क्या है हाईली रीऑब्जर्व कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक, हीम कंटेनिंग आयरन इन फेरस फॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम प्रोटीन ग्लोबिन कंपोनेंट, यानी हीम क्या है, हीम जो रिलीज हुआ है किससे, ग्लोबुलिन प्रोटीन से हाइड्रोलाइज हुआ है, और हीम से क्या रिलीज हो जाता है आयरन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, रिमेन सोल्यूबल एज इज बाउंड टू प्रोटीन एंड इज एब्जॉर्ब थ्रू एंटेरोसाइट, और यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या है वो प्रोटीन स्कोर क्या है अगर जो आयरन के कंटेंट है उनको क्या है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कौन सी सेल से, एंटेरोसाइट से। दूसरा पोर्शन होता है नॉन हीम आयरन, यानी जो अपन फूड से या फिर किसी एंजाइम के ब्रेकडाउन से या फिर किसी और चीज से अपन जो अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
नेक्स्ट है आयरन रीयूज, यानी आयरन मॉलिक्यूल का वापस यूज अपन कैसे लेते हैं, वापस काम में कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, आयरन का मॉलिक्यूल क्या है, ह्यूमन बॉडी में इंटर हो रहा है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, वहां से क्या है आयरन यूज में ले लिया जाता है और कुछ आयरन के मॉलिक्यूल स्टोर कर लिए जाते हैं। फिर वो आयरन का मॉलिक्यूल यूज में किस जगह लिया जाता है, ब्लड सेल के अंदर। तो बीच में देखिए एक वेसल दिखाई गई है जिसमें ब्लड सेल्स हैं, जिसमें आयरन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिर दिखाई गई है एक ऊपर की ऊपर ब्लड सेल, किसमें हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है स्प्लीन में या मैक्रोफेज में, जहां पे आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो क्या है हीमोग्लोबिन पिगमेंट का भी ब्रेक डाउन होगा, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट का ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज हो जाता है, आयरन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और फेरिटिन प्रोटीन के साथ या ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ वो क्या है स्प्लीन से वापस क्या कर लिया जाता है, रिसाइकिल कर लिया जाता है, जहां पे क्या है आयरन का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ एरो लगा के दिखाया गया है, जो किसके अंदर है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के अंदर वापस काम में ले लिया जाता है, बोन मैरो के अंदर, या फिर एरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर के अंदर, यानी एरिथ्रोसाइट की जो जनक सेल है उनके अंदर वापस काम में ले लिया जाता है। यानी सबसे पहले आयरन क्या है, किसके अंदर आता है, इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन से क्या है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, या फिर उसका यूज कर लिया जाता है एंजाइम वगैरह बनाने के लिए, या फिर मायोग्लोबिन के अंदर काम में ले लिया जाता है। फिर जैसे ही आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या है उसको आयरन क्या है वापस निकल जाता है आयरन के मॉलिक्यूल स्प्लीन में, और उस आयरन के मॉलिक्यूल को वापस रीऑब्जर्व करके अपन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर काम में लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ आयरन सेंसेंट आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर से क्या है आरबीसी की आयरन की रिसाइक्लिंग, यानी आयरन मॉलिक्यूल का वापस यूज कैसे करते हैं अपन ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्या है व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट और व्हाइट कॉर्पस, यानी व्हाइट ब्लड सेल को अपन क्या बोलते हैं, एक तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं या फिर व्हाइट कॉर्पस यानी व्हाइट सेल्स बोलते हैं, श्वेत कणिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट ए सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट लैक्स हीमोग्लोबिन हैज ए न्यूक्लियस इज कैपेबल ऑफ ए मोटिलिटी, यानी सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का ऐसा सेलुलर कंपोनेंट जिसके अंदर लैक मतलब कमी किसी चीज की, तो हीमोग्लोबिन की क्या होती है कमी, हैज ए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है, इज कैपेबल ऑफ मोटिलिटी, और गति के लिए क्या है उसमें क्षमता, यानी वो इधर उधर से मोटाइल मोटिलिटी कर सकती है, एंड डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और जो क्या है इन्फेक्शन से ह्यूमन बॉडी को प्रिवेंट करती है, एंड डिजीज बाय इंजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, और करती कैसे है कि फॉरेन जो पार्टिकल आते हैं जैसे पैरासाइट या फिर कोई भी कंपोनेंट आ गया बैक्टीरिया या वायरस, उसको क्या है वो इंजेस्ट कर लेती है अपने अंदर, उसको किल कर देती है, एंड सेलुलर डेब्रिज बाय डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टियस एजेंट एंड कैंसर सेल, और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और वो क्या है इन्फेक्शन से प्रिवेंट कैसे करती है, इन्फेक्टियस जो एजेंट होता है या फॉरन जो एजेंट होता है उसको किल कर देती है, कैंसर सेल्स को किल कर सकती है, और क्या है एंटीबॉडीज को जनरेट करती है। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर लिम्फोसाइट होती है जो कि क्या है एंटीबॉडीज जनरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम तो क्या है लिम्फोसाइट, और फिर दूसरी लाइन में क्या है कि एक ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की तो कमी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोटिलिटी शो करता है, और ह्यूमन बॉडी को किससे प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, और करता कैसे है कि फॉरेन पार्टिकल या फिर जो इन्फेक्टियस एजेंट है उसको किल करके और एंटीबॉडी जनरेट करके। ए हेल्थी एडल्ट ह्यूमन हैज बिटवीन 4,500 टू 11,000 व्हाइट ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी एक हेल्थी यानी स्वस्थ मनुष्य के अंदर क्या है 4,500 से या फिर 4,000 से 11,000 तक व्हाइट ब्लड सेल काउंट नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है क्लक्शन इन व्हाइट ब्लड सेल नंबर अकर ड्यूरिंग क्लक्शन का मतलब होता है किसी चेंज के किसी चीज में चेंजेस यानी उतार चढ़ाव। तो क्लक्शन इन व्हाइट ब्लड सेल नंबर अकर ड्यूरिंग द डे, लोअर वैल्यू आर ऑब्टेन ड्यूरिंग रेस्ट एंड हायर वैल्यू ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट है उसके नंबर्स के अंदर परिवर्तन कैसे होता है
कि जब अपन रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं यानी आराम कर रहे होते हैं तो क्या है लोअर वैल्यू होती है किसकी व्हाइट ब्लड सेल की या ल्यूकोसाइट की, और हायर वैल्यू कब होती है जब अपन कोई हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तब क्या होती है व्हाइट ब्लड सेल की हायर वैल्यू होती है। नेक्स्ट एन एब नॉर्मल इन व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, और क्या है कि असामान्य व्हाइट ब्लड सेल का जो बढ़ना है इंक्रीजमेंट है वो क्या कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। वेयर इज एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन नंबर इज नोन एज ल्यूकोपेनिया, और वहीं पे क्या है कि एबनॉर्मली उसका डिक्रीज होना व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या कहलाता है ल्यूकोपेनिया कहलाता है, यानी अचानक क्या है व्हाइट ब्लड सेल के काउंट क्या हो गए लो हो गए तो वो क्या कहलाते हैं ल्यूकोपेनिया, बढ़ना कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल काउंट मे इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंटेंस फिजिकल एक्सर्टेशन, यानी क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट है जो संख्या है वो क्या है बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है कब जब अपन कोई फिजिकल वर्क करते हैं एक्सर्टेशन मतलब कोई फिजिकली काम कर रही होती है हार्ड वर्क। दूसरा है कॉन्वल्यूशन, मतलब क्या है अपन मेंटली और फिजिकली कोई काम करते हैं तब भी उनके काउंट क्या है इंक्रीज हो जाते हैं, और तीसरा क्या है उसका रीजन एक्यूट इमोशनल रिएक्शन, यानी किसी चीज को सोच के क्या है इमोशनल हो गए या फिर सैड हो गए उस टाइम पे भी क्या है व्हाइट ब्लड सेल के काउंट बढ़ सकते हैं, या फिर पेन के अंदर दर्द में या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर लेबर के अंदर कोई काम करते टाइम एंड सर्टेन डिजीज पे, और क्या है कई बार क्या है कि कई बीमारियों के कारण भी व्हाइट ब्लड सेल के कारण बढ़ जाते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो या फिर इंटॉक्सिकेशन यानी कोई टॉक्सिसिटी हो गई ह्यूमन बॉडी में, इन्फेक्शन के टाइम पे या फिर इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे भी क्या है व्हाइट ब्लड सेल के काउंट बढ़ जाते हैं, यानी नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में या तो वो कोई फिजिकली वर्क कर रहा है या फिर मेंटली या फिजिकली वर्क कर रहा है या फिर कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम है उसको इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसके पेन हो रहा है प्रेगनेंसी के अंदर हार्ड वर्क के अंदर या फिर किसी डिजीज के अंदर इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन के अंदर भी क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट क्या है बढ़ जाते हैं। द काउंट मे डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन और ड्रग और इन एसोसिएशन विद सर्टेन कंडीशन सच एज क्रॉनिक एनीमिया माल ड्यूरेशन और एनाफाइलेक्सिस, यानी द काउंट मे बी डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू, यानी जो काउंट्स है वो डिक्रीज किन किन कंडीशन में होते हैं, एक तो इन्फेक्शन की कंडीशन में हो सकते हैं या फिर कोई ड्रग्स आपने ऐसा लिया है कोई मेडिसिन ली है या फिर कोई और ड्रग्स लिया है जिसकी वजह से क्या है व्हाइट ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है तो भी क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, और क्या है और उसके अलावा कंडीशन कौन सी है क्रोनिक एनीमिया यानी क्या है घातक एनीमिया जिसमें क्या है आरबीसी और हीमोग्लोबिन के काउंट क्या हो जाते हैं ज्यादा कम हो जाते हैं, या फिर माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी ह्यूमन बॉडी में उस टाइम पे भी क्या हो जाते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर काउंट कम हो जाते हैं, या फिर एनाफाइलेक्सिस कोई रिएक्शन या फिर कोई एलर्जी उस टाइम पे भी हो सकता है व्हाइट ब्लड सेल के काउंट कम हो जाए जैसे किसी चीज से एलर्जी हो उस टाइम पे। नेक्स्ट लेक्चर ऑन व्हाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी ल्यूकोपोसिस के ऊपर आपका क्या है नेक्स्ट लेक्चर है, यानी व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कौन सी सीरीज से होता है और कौन सी जगह होता है कौन सी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है। थैंक्स टू ऑल।